अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार यमी सी टिक्का फिश बिरयानी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, तो आप लोग ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने जो है एक पैन में हाफ कप हम ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद हमारे पास फ़िश जो है ना हाफ के जी फिश है, किंग फिश, आप अपनी पसंद की कोई भी फिश ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, फिश को हम फ्राई करेंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मज़ेदार सी वीडियोस आपको मिलती जाए। तो हमने जो है ना फिश को अच्छी तरह फ्राई करना है गोल्डन, क्योंकि टिक्का फिश बिरयानी जो है हमने मसाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं ना तो फिश में से मसाले का टेस्ट जो है ना वो हट जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो फिश को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से, एक साइड से हमारी जो है ना गोल्डन हो चुकी है, दूसरी साइड से भी हमने इसको गोल्डन करना है। तो हमारी फिश जो है अच्छी तरह फ्राई हो गई, हम इसको अब निकाल लेंगे। अब हम बिरयानी मसाला जो है रेडी करेंगे। अब हमने एक पतीली में जो है हाफ कप ऑयल लिया है, इसमें हम 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो है हम चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे, और प्याज को हमने जो है ना गोल्डन ब्राउन करना है। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद जो है ना हम प्याज को निकाल लेंगे। तो प्याज जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमारे पास जो है 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा, इलायची और दालचीनी सारी चीज़ें हैं, काली मिर्च, और इसके बाद हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको सौते करेंगे। तो 1 से 2 मिनट सौते करने के बाद जो है ना हमने इसमें ऐड करना है 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्च को पेस्ट बना के हम इसमें ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद जो है हम इसमें हम मसाले ऐड करेंगे और इसको हम पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में जो है हमने 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद जो है 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद जो है हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, और लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करने के बाद जो हमने नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है, 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह जो है मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हमने इसको कुक करना है 10 से 15 मिनट के लिए, कवर करेंगे और कवर करके हम इसको कुक करेंगे। एक मसाला सा रेडी हो जाएगा, जब ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप योगर्ट। तो हमने मिक्स जो है कर लिया और देखें कवर भी करके 10 से 15 मिनट हमने कवर करके इसको कुक किया है, तो ऑयल जो है देखें आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हमने 1 कप योगर्ट ऐड करना है। योगर्ट को अच्छी तरह फेंट लें और फेंटने के बाद इसमें ऐड करें और इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 जो है आलू बुखारा। आलू बुखारा ऐड करने के बाद जो है ना हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है टिक्का मसाला ऐड करना है, और टिक्का मसाला ऐड करने के बाद हम 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। इससे जो है इन मसालों से इसका फ्लेवर जो है बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, और हम ये 2 मसाले जो बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे क्योंकि हमने ऐड करने के बाद इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि एक फ्लेवर जो है ना वो आपको इसमें आएगा और बिल्कुल लास्ट में आपने ऐड करना है। तो इसको हमने मसाले ऐड करने के बाद 5 मिनट हमने कुक किया मसाला का, देखें ऑयल जो है ना आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हमने फ़िश को ऐड करना है, जो हमने फ़िश फ्राई की थी अब इसमें हम ऐड कर देंगे। सारी फ़िश जो है आप इसमें ऐड कर दें और फ़िश को जो है अच्छी तरह मसाला लगा लें आप, ताकि फ़िश में भी जो है दम देते वक्त बहुत अच्छा सा फ्लेवर फ़िश पे भी आएगा। तो इस तरह जो है हमने फ़िश को टर्न किया और मसाला जो है फ़िश को लग चुका है। इसके बाद हमने इसमें चावल ऐड कर देंगे। देखें आप फ़िश हमको मसाला अच्छी तरह लग चुका है और चावल जो है हमने बॉयल कर लिए थे, हमारे पास 1 kg चावल हमने बॉयल कर लिए थे। हमारे पास सिंपल बॉयल कर लें और बासमती राइस हैं, तो इसको हम सिंपल बॉयल करके हम इसमें लेयर लगा देंगे मसाले पे। तो लेयर लगाने के बाद जो है ना आप ऊपर से जो है ब्राउन
प्याज जो हमने किया था वो उसके ऊपर ऐड करेंगे, और उसके बाद हमने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करने के बाद हमने जो है ना इस तरह फूड कलर ऐड कर दें, और उसके बाद जो है हमने 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसके ऊपर ऑयल ऐड करना है। दम देते वक्त जब भी आप दम दें तो ऊपर से 2 से 3 टेबल स्पून आप ऑयल ऐड कर दें, इससे आपके चावल जो है ना वो खिले खिले चावल रहेंगे। और 10 मिनट हमने दम दिया है तो अब इसको जो है बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे तो बहुत ही खिले खिले चावल और बहुत ही सिंपल और मज़ेदार ये रेसिपी है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये कैसी लगी है। पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।